तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था रेन नाम का जो बुड्ढा यहाँ पे था उसको काफ़ी अच्छे से ये बुद्धू बना लेता है। मनी मन सोचता है चलो भाई बुद्धू बनाने का जो मेन काम है ना वो हो चुका है, और अभी जो डेड एनर्जी का इसका जो प्रॉब्लम है ना उसको बस मुझे सोल्व करके इसको आजाद करवा देना है। वो आजाद हो जाएगा तब तो या तो इसको अपने डिसाइपल या नौकर कुछ ना कुछ तो बना यहाँ पे लूँगा, डिसाइपल बनाने में ज़्यादा यहाँ पे ठीक है। और अपना सॉस सील यहाँ पे लगाना, देखो किसी भी बंदे पर अगर तुम्हें सॉस सील लगाना ना तो उसके दिमाग के अंदर बस ये थोड़ा सा ये ना होना चाहिए, विद्रोह वाला मन में होना चाहिए कि हाँ भी मुझे इसके खिलाफ जाना है। बस उसका मन तुम्हारे साथ ना एकदम ये होना चाहिए क्या बोलते हैं भाई कि हाँ भी सच्चा दिल से लॉयल यहाँ पर रहना चाहिए, तो अपने अपना सॉल्व सी लग जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो मैंने अच्छे से बुद्ध बना लिया है, तुम्हें एकदम लॉयल हो चुका था तो लगाने के बारे अच्छी लगा देता है। ओके तो ओके ठीक है गुड बाय इतना बोलने में निकल जाता है। उसके पीठ पर लगा हुआ था ये अपने घर के अंदर यहाँ पे, तो कहते हुआ यह सिस्टम वाला सॉल्व सील है भाई, यहाँ तक कि हेवली स्टेज का बंदा वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। सिस्टम लिख के आता है कि वेल बधाई हो यार आपने ना नाम के बंदे को अच्छे से बुद्धू बना दिया है, तो बदले में आपको हवेली इंग एंड यान बुक मिलता है। तो ये जैसा बुक मिलता है ये भी देखता ओके ये बुक मुझे मिल गया, इस काम के लिए भी रिवॉर्ड मिलता है, वह सिस्टम है तो उससे बढ़िया सिस्टम मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं। रेट में लीड, तो जैसे रीड बुक करता है तो मालूम चलती है कि वेल यार इसके द्वारा इंग यान का जो पाथ है ना आप उसको भी क्रॉस कर सकते हो, और जो डेड एनर्जी को इंसान की विटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, इंसान की विटिलिटी को डेड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी देखते हो कहते वो यार ऐसी टेक्निक है ना भाई उस बुढ़े रहने के लिए सबसे ज्यादा काम आएगी अभी के लिए, प्लस उसने अगर सीख लिया ना तो उसके और ऊपर हेवनली स्टेज के ऊपर लेवल होने के चांसेस हो जाएंगे। और इसका जो पूरा बुक है ना ये पूरा का पूरा बुक यहाँ पे रीड करता है, हाँ पूरा बुक इसने रीड किया था, उसकी टेक्निक सीखी नहीं थी और कहता वेल मैंने पूरा यहाँ पे रीड कर लिया है। तो ये समझो लाइफ और डेड का जो भी टेक्निक है ना उसके रिलेटेड पूरी की पूरी टेक्निक यहाँ पर है। तो ये मैंने सीखा तभी स्ट्रॉन्ग तो मैं बनूंगा और मुझे मारना और इतना भी आसानी है, और जिंदगी तो बेसिकली वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ ही जाएगी। और देखो कितनी कमाल की बात है, मुझे कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसा तरीका चाहिए भी था जो बंदे का डेड एनर्जी हटाने में मदद यहाँ पे करे उस बुढ़ाओ के लिए, और मुझे सिस्टम ने दे भी दिया। लेकिन यार इस एक मिरर को ना एक दिन में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितनी एक से ज़्यादा वह कर सकते हो, मैंने कई बार यहाँ पे कर लिया यानी अब और कर नहीं सकता, तो अब कल ही करूँगा तो कल ही जाके दूंगा। जब तक भाई मैं सीखना यहाँ पे चालू कर देता हूँ तो आराम से टेक्निक सीखना चालू करता है। और अपना जो बिल्ला यहाँ पे था, हाँ बिल्ला ही था भाई बिल्ली नहीं थी, और तो पीछे से देखता हूँ खुश है कि हाँ भाई ये टेक्निक बड़ी खतरनाक की टेक्निक है ये सीख नहीं पाएगा और मर जाएगा, ये जैसे मरेगा पूरे घर का मालिक मैं बन जाऊंगा। काफी दिन हो जाता है वो अभी तक सीखे जा रहा है और नहीं मरता, तो बिल्ले का दिमाग का देख के अरे यार मुझे लगा ये मर जाएगा आदमी, इस घर में कोई भी आदमी नॉर्मल नहीं भाई, नहीं मरा वो सामने से, नहीं मरता तो नहीं मरता। वो भी सैड हो जाता कि अरे यार मैंने सोचा सीखूंगा कुछ होगा बवाल बड़ा, कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है, बोरिंग लग रहा भाई सिस्टम भी कुछ खास इंटरेस्टिंग और नहीं दे रहा, और कोई दुश्मन भी यहाँ पे नहीं आ रहा, बोरिंग। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है वही जो सेट यहाँ पे था जिसके लीडर ने सबसे पहले उससे टकलू भेजा था, और टकलू की वजह से सारे के सारे बंदे लोग ना किंग प्लेस में जाके हमला यहाँ पे करे थे बार बार खुद को फेमस के लिए करने के लिए। हाँ तो वही जो लीडर यहाँ पे था ना लीडर पूरा सैड था, रो रहा था कि अरे क्यों यार हमारे सेट पे एक के बाद एक बाद मुसीबत यहाँ पे आ रही है और सब कैसा उस टकलू की वजह से हो रहा है, टकलू मैंने क्या करने को बोला था उसके चक्कर में देखो आज यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर किंग प्लेस वालों ने पता किया कि अभी टकलू के पीछे भाई मेरा यहाँ पे हाथ है तो भाई मेरे तो नंगा कर करके यहाँ पे मारेंगे मम्मी रे चू फैमिली, भाई इसमें सारी की सारी गलती चू फैमिली की है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है ये जो है ना अपना भाई ब्लैक मून हॉल जिसका काम इंफॉर्मेशन देने का, वहां पर इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन ये देता है कि तुम जाके चू फैमिली के बारे में जो इंफॉर्मेशन ना वो पता करो, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाओगे उतने मिलियन क्रिस्टल यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ का जो लीडर था भाई वांग डे जिसका नाम था वो भी चौंक जाता कि मम्मी रे भाई ये सामने से कौन है भाई, पर्पल मून सेट का यहाँ पे लीडर है इसको अचानक से क्या हो गया भाई इतने सारे एक बार में क्यों दे रहा है, इसका ऐसा क्या नफरत यहाँ पे चू फैमिली के साथ बढ़ गया। लेकिन अपने वो क्या भाई अपना काम इंफॉर्मेशन देने का इंफॉर्मेशन देंगे और पैसे कमाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता हमारे मेकेटा पे जो अपने मिले से यहाँ वहाँ ढूंढे जा रहा था और भी बंदे लोग को, तो डू यू वन नाम का बंदा यहाँ पे मिलता है और देखते कि ओहो मुझे एक और टैलेंटेड बंदा मिला, इसको भी बुद्धू बनाता है अपनी बातों से और सील विल यहाँ पे लगा देता है। मनी मन खुश है सील लग गया यानी ये बंदा कहीं भी चल जाए चलेगा। इसका रीजन और मेरा रीजन यहाँ पे सेम ही है, लेकिन ये बेसिकली बिलोंग यहाँ पे करता है वेस्टर्न से, इसकी जो फैमिली यहाँ पे थी वेस्टर्न से आई थी, जिस चक्कर में वेस्टर्न नॉर्थर्न साउथर्न होता रहता है, लेकिन सील लग चुका है कहीं भी कर सकता हूँ। सिस्टम ने मुझे अनलिमिटेड सील यहाँ पे नहीं दिए थे, कुछ सील यहाँ पे दिए थे, सारे सील मैंने यूज़ कर लिए, बस एक सील यहाँ पे बचा हुआ है। बाय चांस मान लो मैंने एक सील भी यूज़ कर दिया और मेरे पास फिर जीरो सील बचा, मुझे किसी और बंदे को भी सील लगा के अपना गुलाम यहाँ पे बनाना है तो ऐसा कर सकता हूँ। पहले से जिन बंदे को पास सील लगाया ना उनका सील हटा के अपने नए बंदे पर डाल सकता हूँ और अभी के लिए, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट है। जैसे अभी रेन वो बुढ़ा और साथ ही में जो डू यू वन जिसको मैंने अभी अभी बनाया, ये दोनों को लेटेस्ट में ही अभी मैंने लगाया था सौ सील जी चक्कर में, इनकी बॉडी से अभी के लिए निकाल नहीं सकता, तभी चूज करूंगा
दिया जाता है कोई आ रहा है, कोई सच्ची में यहाँ पे आ रहा है, और ये बंदा कोई इविल कल्टीवेटर नहीं लगता, ये तो भाई एक नॉर्मल कल्टीवेटर है जो कि बस स्पिरिट स्टेज के ऊपर यहाँ पर है। तो ये बंदा मेरा क्या उखाड़ पाएगा, और ये हमारे फैमिली को लेकिन आ का एक हो रहा है भाई। इसके हाथ में कुछ यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, और सामान उतना कीमती तो नहीं है हमारे फैमिली के पास, क्या सच्ची में नहीं है क्या? और ये बंदा, अरे यार ये बंदा तो मेरे ख्याल से जासूस है यार। हाँ, जो ब्लैक मून हॉल यहाँ पर है ना, उसके लिए जासूस यहाँ पे कलेक्ट करता है, जासूस का काम करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया होगा। ये नहीं पता किसी इविल कल्टीवेटर ने बोला होगा चूफ फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन, पता करो यार। जो चूफ फैमिली के पीछे तो सारे इविल कल्टीवेटर हाथ धो के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जासूस यहाँ पे आ जाओ यार, हम तुम्हारा यहाँ पे स्वागत करेंगे। जासूस यहाँ पे आ रहा है, मनी मन सोचते कि अभी के लिए लो ग्रेड का जासूस हूँ, लेकिन अगर ये चूफ फैमिली इंफॉर्मेशन अगर मैं कलेक्ट करके दे दूंगा ना, तो मुझे ना यहाँ पे एडवांस जासूस की कैटेगरी में आ जाऊंगा, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ जाएगी, छुट्टी मिलेगी, जाऊंगा गाँव और एक अपनी क्रश के साथ शादी करके यहाँ पे वापस से आ जाऊंगा। बस उसके लिए मुझे इस चूफ फैमिली में एंट्री मारनी है। लेकिन एक समय कुछ मेरे को अजीब लग रहा है, चूफ फैमिली ऐसी है क्या भाई? इतना बड़ा पेड़ मेरे ख्याल से चूफ फैमिली में नहीं थी। उसके बाजू में एक बंदा यहाँ पे खड़ा है जो कि भाई मुझे गधे का बच्चा लग रहा है, और बाजू में ना जमीन भी खोदा है जैसे कि कोई कबर उसमें डालने वाले हो, क्या चालू है? और इतना बड़ा माउंटेन है भाई, इतना बड़ा माउंटेन कहाँ से आ गया? मुझे मालूम है चूफ फैमिली का जो सबसे क्लोजेस्ट माउंटेन भी है ना, वो भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। बेसिकली सब कुछ यहाँ पर इल्यूजन है जो कि हमारे चेंज हुआ ने क्रिएट किया था। वो भी मनी मन सोचते कि एक बंदा जो इस पी स्टेज पर है वो मेरे इल्यूजन के बारे में पता लगा पाएगा, मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में जो कि एम्पायर स्टेज पर है। और अभी के लिए इसको यहीं पे फंसा के रख दो, यहाँ पे ठीक होगा। सबसे पहली बात है ना यार, इसको मैं मार नहीं सकता, कि उसको जहाँ से मारा तो भाई उनको मालूम चल जाएगा ना कि यहाँ पे इसको जहाँ से मारा, यानी भाई किसी और जासूस को, स्ट्रॉन्ग जासूस के यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो इसको ऐसे जिंदा छोड़ता हूँ, ये जाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली और भी स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे भेजेंगे, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही यहाँ पे चाहिए। और ऊपर से इन्होंने कमीशन भी ले लिया होगा, यानी कुछ भी हो जाए अपने और स्ट्रॉन्ग जासूस को तो पक्का भेजेंगे। शीश होता 3 दिन बाद, वो वन डे यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है, कह रहा जिस जासूस को भेजा 3 दिन हो गया, उसने कोई इंफॉर्मेशन अभी तक ला के यहाँ पे काय को नहीं दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हो सकता है सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा हो चुके, जी चक्कर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, और अभी के लिए इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करोगा। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक सेकंड भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रूल है तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले तुमको आके एक बार इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई मुझे मिला या नहीं मिला, तो उसको भी कर देना चाहिए था कि नहीं मिला, लेकिन उसने नहीं किया। भाई मेरे को दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। अरे सुनो मेरे बंदे लोग, अपने आप भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उसको लेके जाओ और पता करो कि उसका क्या हालत यहाँ पर है। समझ गए? जो सुनते वो दूसरा कहता है, ओके ठीक है समझ गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई भेजो जितने स्ट्रॉन्ग भेजना भेजो, उस सबको भी अपना मेकअटर बना लेगा अपना गुलाम। तो इसके अंदर मैंने शायद लाइक टारगेट इससे पहले कभी नहीं दिया, पहली बार इसमें देना चाहता हूँ, तो पहली बार ज़्यादा नहीं दूंगा 1500। हाँ बस 1500 का, तो प्लीज़ पूरा यहाँ पे कर देना। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।